अब तो जाएंगे मुख्यमंत्री जी, ऐसी समाज के लोगों ने लगाए नारे। ऐसी ए समाज की महत्वपूर्ण बैठक की, महत्वपूर्ण लघु सचिवालय कैथल के पार्क बैठक हुई, जिसमें ऐसे समाज के लोग के काफी गणमान्य व्यक्तियों ने विशेष तौर पर शिकायत की। इस मीटिंग का उद्देश्य एससी एवं बीसी का विभाजन करना था। कुछ विशेष जातियों को छोड़कर ऐसी जाति में काफी जातियां बिछड़ती जा रही थी और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसमें मुख्य रूप से बाल्मीक, धनुक समाज, देहा, सिखवी, मजबी, सेसी इत्यादि जातियों को आरक्षण का बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल रहा। शिव कुमार ने कहा कि सारा एससी ए समाज आने वाली 7 जनवरी को कैथल के ज्वार पार्क में 10 बजे इकट्ठा होकर डीसी कैथल को एससी ए और बीसी बहाल करने के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस मीटिंग की अध्यक्षता शिव कुमार जिला प्रदेश संगठन सचिन ने की और एससी ए समाज के लोगों को 7 जनवरी को ज्वार पार्क में पहुँचने की अपील की और कहा कि समाज समय पर पहुँचकर एकता का परिचय दे। जो ये बैठक थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। इस बैठक में वाल्मीकि समाज के साथ साथ काफ़ी सारे जो दलित समाज में जो काफ़ी एस सी ए वर्ग के जो लोग हैं, जिसमें सासी, धाणक और वाल्मीकि, इसमें कई जातियों के लोगों ने आज भाग लिया। ये एक महत्वपूर्ण बैठक थी। हरियाणा सरकार ने अपने जो इनका जो मांग पत्र था हरियाणा सरकार का, उसमें हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें अपने मैनोफेस्टो में लिखा था कि जो जातियां आर्थिक तौर से काफ़ी पिछड़ चुकी हैं, उनको आरक्षण में जाना चाहिए। तो सर, इसी बात को लेकर के आज जो यहां एससी ए समाज खड़ा है, जिसकी हरियाणा सरकार दिन प्रतिदिन अनदेखी की जा रही है, हरियाणा सरकार में हरियाणा सरकार बिल्कुल भी एससी ए वर्ग के जो लोग हैं उनका जो शोषण करने का काम कर रही है, मैं हरियाणा सरकार से ये डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ कि वो जैसे कांग्रेस के टाइम में भजन लाल के, जो चौधरी भजन लाल जी थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने एससी को दो भागों में बांट दिया था, एक एससी ए और दूसरी बी। जो सीनियर जाति थी उनको एससी ए के एससी बी में रखा गया था, कुछ थी 6 जातियां थी, और जो 42-44 जो पिछड़ी जातियां थी में रखा गया था। तो मेरी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये डिमांड है कि एससी में, एससी को जिस प्रकार चौधरी भजन लाल जी ने कांग्रेस की सरकार में अलग अलग कैटेगरी में किया था, तो सरकार से वही डिमांड है कि एससी को दोबारा से एससी ए और बी का वर्गीकरण किया जाए, जैसे चौधरी भजन लाल जी ने किया था। और जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जी थे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उन्होंने एससी ए समाज की बड़ी अवहेलना की थी, उन्हीं के कारण एससी और ए और बी को सिर्फ एससी कैटेगरी में ला करके खड़ा कर दिया गया था, जिससे वाल्मीकि समाज, सासी, धाणक इत्यादि जो बहुत ही पिछड़े हुए समाज है, पिछड़ी हुई जातियां हैं, उनकी दिन प्रतिदिन अनदेखी की जा रही है। और हम सरकार से, हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये डिमांड करते हैं कि जो एससी ए और बी है उसका जल्दी से जल्दी वर्गीकरण किया जाए और इसको ए और बी में पुनः बहाल किया जाए। ये हमारी सरकार के सामने डिमांड है। और आने वाली 2019 की 7 जनवरी है, जो दिन सोमवार का पड़ता है, उसमें हम एक यहाँ कैथल के जो जवाहर पार्क है, जवाहर पार्क में हमारे एससी ए के साथी और उनके जितने भी जो ये चाह रहे हैं, जिन लोगों को ये इस बात का भली भांति पता है कि एससी ए वाल्मीकि समाज और वाल्मीकि समाज के साथ जो एससी ए समाज में काफ़ी जातियां हैं उनका एक्चुअल में शोषण हो रहा है, तो वो साथ सारी जातियां भी हमारे साथ इसमें आएंगी और वे सारे के सारे एससी ए बहाल, ए और बी को पुनः बहाल करवाने का काम सरकार के सामने पुरजोर मांग रखी जाएगी। और आने वाली जो 7 जनवरी है, 7 जनवरी को समय सुबह 10 बजे का है, कैथल के जवाहर पार्क में सारे साथी वहाँ पर इकट्ठे होंगे और इकट्ठा होने के बाद वहाँ से चलेंगे और शांति का प्रदर्शन करते हुए यहाँ आकर के डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा मुख्यमंत्री महोदय के नाम। हमारी मुख्य रूप से यही डिमांडें होगी कि एससी ए की जो है वो सरकार बिल्कुल भी अवहेलना ना करे। जो धरने का मौका है, बड़ा अच्छा मौका है खट्टर सरकार के पास कि वो एससी ए और बी को वर्गीकरण में दोबारा तब्दील कर दे। यही हमारी डिमांड है।